फिर पाकिस्तान पे एक्सपेक्टेड किस्म की सूरत हाल बन रही है और एक पूरा का पूरा। आप ये बताइएगा कि ये सिस्टम अगर अनसर्टेनिटी का ये 3-4 महीने और रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो गई। साहब डॉलर आज जो है 172 के 73 के करीब जा पहुंचा है और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल खुला छोड़ दिया है कि कोई रोक टोक नहीं है ना, कोई हुकूमती सतह पर कोई बयान सामने आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, जा कहाँ रहा है ये डॉलर? देखिए अफगान सिचुएशन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है अफगानिस्तान के अंदर। इस वक्त लोगों को हर चीज़ जो डॉलर में सेव करने के चक्कर में है, खुद वो जो अर्बन एरिया के लोग थे स्टेबिलिटी की वजह से उनकी ज़रूरियात हैं वो उसके अंदर ले। पाकिस्तान में चूंकि डॉलर उस हिसाब से वो वहाँ सस्ता हो गया है, यहाँ महंगा है और वो हमारे हिसाब से महंगा उस हिसाब से नहीं। एक तो ये है कि वो हम रोज़ को 30-35-40 हज़ार बंदा जाता है और वो आता है और डॉलर लेके जा रहे हैं। एक आदमी 10 हज़ार भी अगर लेके जाए तो आप देखें कितना, वो एस्टिमेट्स हैं कि 4-5 मिलियन डॉलर तो डेली वहाँ यहाँ से वहाँ जा रहा है और वो पहले वहाँ से जहाँ आता था अब जहाँ से वहाँ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपकी सारी उनकी ट्रेड जो है वो यहाँ से हो रही है, टोटल डिपेंडेंट ना ताजिकिस्तान है ना ईरान है ना वो। अच्छा उसका भी जो आपकी जो इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं वो बुनियादी वजह उसके अंदर अफगानिस्तान का इम्पैक्ट है। अब पाकिस्तान को फैसला तो कर ही नहीं रहा कि या तो कबूल करो या कुछ को खुदा कबूल, सब ने किया हुआ है, दस्तखत नहीं करते। अब पूछ लेते हैं शबर जैसे साहब से आखिर वजूहात है क्या। अस्सलाम वालेकुम शबर भाई। वालेकुम सलाम जी। जैसे साहब ये बताइएगा ये डॉलर की उड़ान जो है ये इतना ऊपर चला जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है, क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारे ऊपर और इसको रोक कैसे सकते हैं हम? देखिए बात और ये मकबूल जान साहब ने बात बिल्कुल सही की है, इसके दो फैक्टर हैं बेसिकली। एक तो डायरेक्ट फैक्टर है कि जो अफगानिस्तान में डॉलर का मूवमेंट है और जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है वो हमारे डॉलर को हमारी रुपी की पैरिटी को अफेक्ट कर रही है। मगर मेरे हिसाब से जो हमारा जो एक अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है उसका ताल्लुक उस डायरेक्ट मूवमेंट से नहीं है क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट की होती है और अब हमने रुपी का ट्रेड भी अलाउ कर दिया है तो बुनियादी वजह वो नहीं है। बुनियादी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की रुपी की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है वेरी स्ट्रांगली विद द एक्सपेक्टेड रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद अमेरिका। और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में एक नफसियाती तनाव है जो कि उस ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि शायद हमें आइंदा दिनों में अमेरिका की वो सपोर्ट या वो चीज़ हासिल नहीं हो जो पास में हुई है, तो उसको रखते हुए हमारे जो डॉलर की जो एक प्रिडिक्टेबिलिटी है वो ये हो गई है कि हम ये समझ रहे हैं कि डॉलर आगे बढ़ेगा, उसलिए एक्सपोर्टर अपनी एलसीज क्लियर नहीं कर रहे हैं और एक्सपोर्टर नहीं आ रहे। इस सिलसिले आज एक आपने पता नहीं शायद आपको आइडिया हो या नहीं हो, अमेरिका ने सेनेट ने कानून पास किया है जिसमें वो ये डिसाइड कर वो इंक्वायरी करने जा रहे हैं पिछले 20 साल में किन लोगों ने तालिबान के साथ सपोर्ट की है। तो ये इस तरह के जो इकदाम होते हैं ये पाकिस्तान की अमेरिकन रिलेशन को अफेक्ट करते हैं और उसकी उसको देखते हुए हमारा जी शबर भाई आपने बहुत सही बात की, मेरा ख्याल है ये बाकी खोल देने वाली बात है लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं जो प्रेडिक्टेबिलिटी आपने कही है कि जो आइंदा में हमारे तल्लुकात खराब होंगे और जो लोग डॉलर में सेव करना चाहते हैं वो भी डॉलर बचाए रखेंगे, कल को बढ़ेगा हमें फायदा होगा, फिर ज़ाहिर बात है जब तल्लुकात खराब होंगे तो हमारा डॉलर से रिश्ता टूट गया तब, ये जो क्वैड बना हुआ है फिर पाकिस्तान पर एक्सपेक्टेड किस्म की सूरत हाल बन रही है और एक पूरा का पूरा। आप ये बताइएगा कि ये सिस्टम अगर अनसर्टेनिटी का ये 3-4 महीने और रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो गई। देखिए और ये सब मैं ये समझता हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम 3-4 महीने रह नहीं सकता। हाँ। और दोनों जो तालिबान की है और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो उसका इफेक्ट ही है इनडायरेक्ट, ठीक है, बुनियादी जो बुनियादी रोल जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट का और यूएस वालों का है, ठीक है, दोनों को तब्दील करना पड़ेगा और एक रिकंसिलेशन पे आना पड़ेगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक दुनिया में स्टेट हो और वो दुनिया से आइसोलेटेड इस शक्ल में रहे जिस शक्ल में आज अफगानिस्तान की स्टेट की पोजीशन आ गई है। तो सैंक्शंस को उनको वेस्टर्न कंट्रीज को लिफ्ट करना पड़ेगा और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को एक बड़ी कंसेंसस की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो ये चीज मेरे हिसाब से अगर इसको हमने मजीद खींचा और पाकिस्तान को इसमें रोल अदा करना चाहिए कि दोनों की रिकंसिलेशन में, और ये हमारा अगर हमने नहीं किया
तो अगर हमने इसको 3-4 महीने आगे लॉग हो गया तो पाकिस्तान की मईशत के लिए ये काफी संगीन सूरत हाल खड़ी कर सकता है। तो ये बताइएगा कि फूड क्राइसिस बिल्टअप हो रहा है, आपने भी अंदाजा हो गया, आप इस वक्त जो FDR में और फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी सब्सिडी का एक प्रोग्राम जो है वो बनाया जा रहा है ताकि कीमतें जो हमने तो आज तक जिंदगी में सब्सिडी देने से कीमतें गिरते तो देखी नहीं है। होता यह है कि फिर मोनोपोलाइजर आ जाते हैं, कोई यूटिलिटी स्टोर वाला आ जाता है, कोई MPA कोटा ले जाता है, कोई वो ले जाता है और आम आदमी के हाथ में ये जो सब्सिडी इसका कोई हल क्या है जो इनके हाथ से कीमतें निकलती जा रही है। गुलजान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब्सिडी ने कभी भी पाकिस्तान में कभी भी किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस को स्टेबलाइज नहीं किया है क्योंकि वो मार्केट को आप मैनेज नहीं कर सकते, वो आप उस बल्कि वो अब्यूज हो जाती है सब्सिडी और वो गलत हाथों में चली जाती है। और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं अभी भी आप ये सोच रहा था और मैं ये समझता हूँ कि हमें जाके IMF से बात करनी पड़ेगी और ये बात करनी पड़ेगी कि हम किस तरह अपनी करेंसी स्टेबलाइज कर सकते हैं कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मेथड से, क्योंकि अगर हमने इस करेंसी की स्पाइरल को आगे बढ़ने दिया तो वो भी देखिए आलू की कीमत या प्याज की कीमत में डॉलर का कोई वजह नहीं है, मगर हमारा अगेन मार्केट परसेप्शन मार्केट रियलिटी इस तरह है कि वो उसकी कीमत बढ़ा देता है और हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता उसका। तो हमें ये डॉलर के साथ एक सेंसिबिलिटी जो है वो है हमारी, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि डॉलर की वैल्यू एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा बढ़े। तो सब्सिडी कोई आंसर नहीं है, हमें अपनी रुपए की पैरिटी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और मैं बहुत ज्यादा फिर कह रहा हूँ हमें अपने एक्सपोर्टर को परसुएट करना पड़ेगा, आई एम यूजिंग द वर्ड परसुएट, कि वो अपनी LCR कराएं, वो इस पाकिस्तान की जो गिरती हुई रुपए की वैल्यू है इससे नाजायज फायदा कमाने की